यूट्यूब चैनल आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 420 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है 3324 और क्वेश्चन का नाम क्या है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। सो वी आर गिवन अ स्ट्रिंग टारगेट एंड एलिस इज गोइंग टू टाइप टारगेट ऑन हर कंप्यूटर यूजिंग अ स्पेशल कीबोर्ड दैट हैज ओनली टू कीज। व्हाट आर दोज कीज? की वन अपेंड्स कैरेक्टर ए टू द स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन, की टू चेंजेस द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन टू इट्स नेक्स्ट कैरेक्टर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इट इज गिवेन दैट वी हैव सी, सी विल बी चेंजेस टू डी इफ वी प्रेस की टू अगैन, एंड जेड चेंजेस टू ए अगैन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज गिवेन हियर, सो लेट्स से If it is empty and if you start pressing key 1, A will be inserted. Make sense? And if you want to write V, what you need to do? You need to press twice, like A, then it will be converted to V. Twice, you need to press twice to get B. Okay. And then, let's say if you want C, then what you need to do? Press one more time, key 2 again. So it will be A, then B, then C. Now you got it, this thing. ठीक है, तो हमें सारे कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं और हमें बताना कि लाइक व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे क्या है, पहले तो A है, A आया, प्रेस किया, की 1 प्रेस की, आ गया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या करना, लाइक व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, कि दूसरा मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। लाइक टू गेट बी व्हाट वी नीड टू प्रेस, वी नीड टू प्रेस ए की 1 ट्वाइस। सो ए बी प्रेस की 1 ट्वाइस, देन व्हाट विल हैपन, द रिजल्ट विल बी फर्स्ट दिस, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू ए बी। ओके, इट विल चेंज टू लाइक दिस। सो इन द फर्स्ट केस here, then we are coming to here to get this. Okay, then we are getting this. Okay, now our target is completed for AB. Now we need to insert C. Okay, our goal is to insert C, to get C. Now what is the idea to get the C? We need to first make it three characters long. So what we need to do, A, first this will happen. Now we don't want this A, we want C. So what we need to do? Press key 2 again. Then it will be converted to A, B, B. Perfect. Now we still have not reached to C. That means we again need to press key 2 again. Okay. Press it again. We will get A, B, C. So is this our answer? Is this our answer? Check it. A, 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 B, A, B, A, A, B, B, and A, B, C. Yep, we got it. तो करना क्या है ना हमें इसमें, लाइक वी नीड टू इंसर्ट अनटिल वी गेट आर आंसर एंड कीप इन माइंड ऑफ द प्रीवियस स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या क्या मतलब है, कि पहले जो आ रखा है वो क्या है उसको छोड़ना नहीं है, करंट कैरेक्टर के लिए अपेंड करना है बट पहले वाले को नहीं छोड़ना है। ओके, मेक सेंस? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे। तो डायरेक्ट इसका कोड देखते हैं क्योंकि यही इसकी अप्रोच है, लाइक वी नीड टू गो ब्रूट फोर्स। व्हाई? बिकॉज वी हैव ओनली कंस्टेंट लाइक 400, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो वी एट द स्टार्ट पॉइंट वी नीड टू हैव दिस। ओके, वी विल ड्राई रन एज वेल फॉर दिस केस। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ए वी सी इनिशियली हमारा लास्ट क्या है, लास्ट इज एम्प्टी। नाउ व्हाट वी नीड टू हैव इन टारगेट, वी नीड टू हैव दिस ए। सो हाउ कैन वी गेट ए? अब पता है कि हमें लाइक ए के लिए कितने इटरेशन करने हैं जे में, तो जे में इटरेशन करेंगे हम 0 से जे लेस देन इक्वल टू आई माइनस दिस ए। वाई? क्योंकि देखो ए
जो है वो ए से कितनी दूर पे है, कितने ऑपरेशंस लगेंगे, लाइक जीरो ऑपरेशंस. सो जे इज इक्वल टू जीरो एंड जे लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट. बी में कितने लगेंगे, वन ऑपरेशंस. ओके, तो अभी क्या करना, जो भी लास्ट वाला है उसमें करंट करेक्टर ऐड करो. परफेक्ट. अब ठीक है, जैसे पहला केस था, हमें क्या चाहिए था, ए. तो लास्ट में हमने ऐड किया क्या, ए ऐड किया, खाली थी, ए बना. वेरी गुड. आंसर में डाला, आंसर में डाल देते हैं यहाँ पे ए, आ गया हमारा ए. अब मैं इसको पॉप कर दूँगा, कहना मुझे नहीं चाहिए, क्या पता मुझे आगे जाना पड़े, राइट. इसलिए मैंने इसको पॉप कर दिया, वापस से ये एम्प्टी हो गई. जब ये लूप एक ख़त्म हुआ, लाइक कुछ तो मिला है ना मुझे, मैं अपने एक टारगेट पे तो पहुँचा हूँ ना, ए पे तो पहुँचा हूँ ना, तो मैंने लास्ट को अपडेट कर दिया एट द एंड ए से, कि अब जो भी कुछ शुरू होगा ना उसका जो प्रीफिक्स होगा वो ए होगा, ठीक है, यहाँ पे. उसके बाद दोबारा आए, अब हमारा क्या है, आई इक्वल टू बी है, बी लिया मैंने. अब जे लूप कहाँ से रन होगा, जीरो से जे लेस देन आई माइनस ए किया, आई माइनस ए क्या होगा, यहाँ पे टू होगा, क्योंकि आई क्या है, बी है हमारा, बी माइनस ए इज इक्वल टू वन, राइट. ओके, और जे प्लस प्लस, ठीक है. तो यहाँ पे क्या गए, फर्स्ट में क्या होगा, लास्ट जो बनेगा मेरा, जो ए तो था ही, ए में ए डालो, ए में ए डाला मैंने, बढ़िया. जैसे मैंने डाला यहाँ भी डाल दो, क्योंकि यही सीक्वेंस है. अब मैंने लास्ट में क्या किया, इसे पॉप किया. अब जब जे इक्वल टू वन होगा तो बी ऐड होगा, तो मैंने बी डाल दिया, अब बी भी पॉप हो गया, बढ़िया. तो लास्ट में क्या बचेगा, लूप एंड के बाद जो लास्ट वाला होगा वो बैक यही है ना, ए बी. तो लास्ट मेरा हो गया ए बी, ठीक है. अब तीसरे पे आए, जब हमारा आई जो है वो हमें चाहिए, सी चाहिए था, सी के इक्वल हो गया. तो फिर से अब तीन बार चाहिए होगा मुझे, जीरो से जे लेस देन इक्वल टू टू. अब बार बार करो, आओ. लास्ट आया हमारे पास था ए बी था, ए बी में पहले क्या डालोगे, ए डालोगे, मैं डाल दिया ए. इसको पॉप किया, अब मैंने बी डाला, डाल दिया, क्या हो गया ये ए बी बी. मैं फिर से, क्योंकि अभी टारगेट नहीं पहुँचे, फिर से आना पड़ेगा, तो ए बी सी, ये भी डाल दिया ए बी सी, ये हमारा आंसर हो गया. लास्ट में क्या किया हमने, यही रिटर्न किया. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, राइट, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो जो एन ए कैरेक्टर लेट से इनटू जो भी यहाँ पे कैरेक्टर है. अब वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि सब में लास्ट वाला कैरेक्टर हो, जेड हो, सब में लास्ट वाला कैरेक्टर हो, तो हमें जाना पड़ेगा वहाँ तक, जीरो से लेकर जेड तक जाना पड़ेगा. तो 26, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी, जितने कैरेक्टर्स हैं ओ ऑफ एन उतना ही स्टोर करेंगे, और बाकी तो आंसर में पूछा गया है, इसलिए हमने वो आंसर स्टोर किया सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है. जितनी लेंथ है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है. तो ये सॉल्यूशन आपको गिटहब पे मिल जाएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, वैल्यू ऐड की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हाँ समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो वो भी कमेंट करें. ओके, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.